हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद अनदर क्लास ऑन बिजनेस फाइनेंस तो आज हम अपने बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ का पार्ट फोर्टीनथ करेंगे ओके दिस इज़ पार्ट फोटीन्थ तो हमने लास्ट के क्लास में कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करा है तो कैपिटल बजटिंग को ही हम कंटिन्यू करते हुए आज उसके ट्रेडिशनल टेक्निक्स देखेंगे ओके ट्रेडिशनल टेक्निक्स में अपना एआरआर मेथड एंड पेबैक पीरियड मेथड आता है इसको हम डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल फार्मूला एंड चार्ट्स ओके और आपने पहले की क्लास नहीं देखी ना तो आप पहले जा करके उनको देखो क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी ज़रूरी है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको टेक्निक्स प्रॉपरली समझ आएंगी ओके okay, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और सारी क्लासेस भी देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी जल्दी से क्लिक कर लो सो so दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें एंड विदाउट फर्दर डिले चलो क्लास स्टार्ट करते हैं देखे देखते हैं कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स ट्रेडिशनल टेक्निक्स ओके तो कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा है एक तो आता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच ओके okay, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में दो आते हैं आपके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड पे पी बैक पीरियड और यही पढ़ना है हमें आज की क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम ये मॉडर्न टेक्निक्स करेंगे बट आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक्स करेंगे तो देखो अब ट्रेडिशनल टेक्निक होता क्या है तो ट्रेडिशनल नाम से पता चल रहा है ना पुराना जो पहले चलता था वो टेक्निक और इसी को हम नन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक भी बोलते हैं अब नन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्यों बोलते हैं क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी को कंसीडर नहीं करता टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी क्या बताता है वो ये बताता है कि जो मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे और जो मेरे पास अभी पैसा आएगा उन दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड होता है जो नन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक है ये बोलता है कोई डिफरेंस ही नहीं है इसके नज़र में ईच रूपी अर्ड इन द फ्यूचर इज़ अज्यूम टू हैव द सेम वैल्यू एज ईच रुपी दैट वॉज़ इन्वेस्टेड मैनी ईयर्स लेट अर्ड ईयर ओके तो दोनों में इसको डिफ्रेंस ही नहीं पच पता चाहे टेन थाउजेंड अब भी मिल रहा है आपको या फ्यूचर में मिल रहा है ये बोलता है सेम ही चीज़ है ओके okay, वैल्यू दोनों की सेम होती है जबकि हमें पता है दोनों की वैल्यू अलग होती है क्योंकि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं रिस्क हो जाता है आपको इन्फ्लेशन ये सारे बहुत रीज़न्स होते हैं तो इसलिए ये क्या करता है ये डिस्काउंट नहीं करता मतलब फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है उसके अकॉर्डिंग अभी आपकी क्या वैल्यू है तो ये डिस्काउंट करके वैल्यू नहीं बता पाता इसलिए इसको बोलते हैं हम नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक ओके नाउ अब ट्रेडिशनल अप्रोच में देखेंगे हम पे बैक पीरियड क्या होता है आपका पे बैक पीरियड मेथड तो पे बैक पीरियड क्या होता है पीबैक पीरियड का मतलब है द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टू बी रिकूब्ड पीबैक बैक पीरियड का मतलब है आपको कितने साल लग रहे हैं आपके एनुअल आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकूप करने में मीन्स अगर आपने वन लाख इन्वेस्ट करा तो ये वन लाख इन्वेस्ट करा है तो इसको इससे जो रिटर्न आएगा आपको वो रिटर्न करने में आपको कितने साल लगते हैं तो वो जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको बोलते हैं हम पे बैक पीरियड पे करा फिर बैक कितने दिन में हुआ ओके नाउ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच हैज़ लीस्ट पे बैक पीरियड अब वैसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लोग आ, इस टेक्निक में पे बैक पीरियड मेथड में वैसे इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है जिसका लीस्ट पे बैक पीरियड हो मतलब जितना जल्दी रिटर्न मिले लाइक दो प्रोजेक्ट है तो जिसका रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है उसको कंसीडर किया जाता है इसमें और इसमें कंसीडर करते हैं हम सी एफ ए टी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आफ्टर टैक्स कंसीडर किया जाता है बट जो डेप्रिसिएशन होता है वो बिफोर वाला ही कंसीडर करते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन ही कंसीडर किया जाता है इसमें तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चंस में भी आया हुआ है तो आपका पे पीरियड में आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कंसीडर होता है अब हम फॉर्मूला और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं देखो पे पी बैक पीरियड का आपका पे बैक पीरियड मेथड का आपका फॉर्मूला क्या है तो ये है आपका इनिशियल आउटले आउटले का मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट ओके इन्वेस्टमेंट होता है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कितना करा डिवाइडेड बाई एनुअल कैश फ्लो आपको कितना कैश फ्लो आया एनुअल ओके okay, तो ये होता है आपका फार्मूला अब देखो समझते हैं हम ये प्रोजेक्ट ए है और ये प्रोजेक्ट बी है दो प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं और आप ध्यान में रखना हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करना है इसमें फिर आप समझोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अब दो प्रोजेक्ट हैं आपके पास इनिशियल कॉस्ट दोनों में आपने वन वन लाख लगाना है अब आपको सेलेक्ट करना आप किस पे जाओगे ओके तो दोनों पे वन वन लाख लगाना है अब रिटर्न किस तरह मिल रहा है तो फर्स्ट ईयर में आपको प्रोजेक्ट ए में रिटर्न मिला फिफ्टी थाउजेंड का और प्रोजेक्ट बी में वन लाख का तो देखो प्रोजेक्ट बी में तो फर्स्ट ईयर में ही आपका रिकूप हो गया आपने वन लाख इन्वेस्ट किया था और वन लाख आपको रिटर्न भी आ गया लेकिन प्रोजेक्ट ए में फिफ्टी थाउजेंड ही आया फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आ रहा है आपको फिफ्टी थाउजेंड फिर तो अब वन लाख सेकेंड ईयर में कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट ए का है ना तो रिकूप कितने में करा सेकेंड ईयर में दो साल में और ये फर्स्ट एक ही साल में कर लिया तो अगर आप पे बैक पीरियड मेथड से चलो तो बेस्ट कौन सा हुआ प्रोजेक्ट बी हुआ क्योंकि इसने जल्दी रिकवर करा है ना इसकी रिकुपमेंट जल्दी हुई है तो इसलिए अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड मेथड प्रोजेक्ट बी इज द बेस्ट ओके बट अब आगे चलते हैं देखो इसके जो डिमे डीमेरिट्स दी थे वो भी हम यहीं से समझ लेंगे अब देखो हुआ क्या अब फिफ्टी थाउजेंड वन लाख करके यहाँ कवर करा और यहाँ पे आपका वन लाख ,00 कवर किया था एक सेकेंड यहाँ वन लाख ,00 हुआ और यहाँ पे ही वन लाख ,00 हो गया अब प्रोजेक्ट बी में नेक्स्ट ईयर आपको फाइव थाउजेंड का ही रिटर्न मिला <coughs> सॉरी इसमें फाइव थाउजेंड का ही रिटर्न मिला अब प्रोजेक्ट ए में थर्ड ईयर में वन लाख टेन थाउजेंड का रिटर्न मिला आपको ओके और प्रोजेक्ट बी में फिर फाइव थाउजेंड का ही मिला तो टोटल प्रोजेक्ट ए में आपको रिटर्न मिलता है टू लाख टेन थाउजेंड और प्रोजेक्ट बी में मिलता है वन लाख टेन थाउजेंड ओके लेकिन पे पीरियड तो बस यहाँ पे हो गया चलो बै, पे बैक पीरियड यहीं पे ख़त्म हो गया काम प्रोजेक्ट बी में मुझे रिटर्न मिल गया चलो अब छोड़ देते हैं काम खत्म लेकिन अभी हम क्या कंसीडर करते हैं अभी आप देखो तो समझदार इंसान क्या करेगा वो यही प्रोजेक्ट ए ही प्रेफर करेगा क्योंकि उसको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है है ना और ज़्यादा दिन तक मिल रहा है ज़्यादा ज़्यादा करके ज़्यादा दिन तक रिटर्न मिल रहा है तो वो इसको प्रेफर करेगा ना तो ये डिमेरिट है ये क्या करता है ये आगे की चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करता आगे की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर ही नहीं करता पे पीरियड ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है उसको रिटर्न मिल गया बात खत्म आगे की चीजों को वो कंसीडर ही नहीं करके चल रहा है और आपका इसमें क्राइटेरिया क्या है तो द प्रोजेक्ट विद द लेसर पे बैक आर प्रिफर्ड क्यों क्योंकि आपका क्राइटेरिया यही है पे बैक पीरियड मेथड में कि जिसका कम टाइम मिलता है आप वही प्रेफर करते हो है ना ना अभी हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं पे बैक पीरियड के तो देखो मेरिट क्या है तो देखा हमने बहुत ही सिंपल मेथड है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है इजीली बहुत कैलकुलेट का कैलकुलेशन भी इजी है इसकी एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्रीज़ वेयर द इन्वेस्टमेंट्स बिकम ऑब्सोलिट वेरी क्विकली अब ये यूज़ में कहाँ आता है ये तो देख के लग रहा हो कि भाई कैसी बेवकूफ़ी है छोड़ दिया आगे का प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर ही नहीं करा लेकिन ये भी यूज़ में आता है कहाँ जहाँ आपका ऑब्सोलिट हो रहा है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी घिस रहा है खराब हो रहा है ख़त्म हो रहा है ओके okay, तो वैसे में हम चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाए हमें तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में आपका कौन सा यूज़ होता है पे पीरियड मेथड यूज़ होता है नाउ इट मेजर्स द लिक्विडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट ये मेज़र करता है प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी कितनी लिक्विडिटी मीन्स जो आपको कैश आ रहा है तो इसको मेजर करता है ऑब्वियसली कैश को ही कंसीडर कर रहा है ये नाउ दिस मेथड इज़ सुपीरियर टू ए आर आर मेथड ए आर आर मैथड से सुपीरियर माना जाता है रीज़न क्या है ये कैश फ्लो को कंसिडर uh, करता है अब आप आगे पढ़ोगे ना ए आर आर अभी तो आपको समझ में आएगा ए आर आर में सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है ओके अकाउंटिंग प्रॉफिट देखता है लेकिन उसमें कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता पर आपने देखा ये तो कैश फ्लो कंसीडर कर रहा है है ना कैश पे बेस्ड है ये तो, तो इसलिए इसको सुपीरियर मेथड बोला जाता है नाउ पे बैक पीरियड इज़ ऑल्सो यूज टू फाइंड आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न ये अपना डिस्काउंटेड टेक्निक है ओके तो डिस्काउंटेड टेक्निक जो है आई आर आर उसमें भी आपका पे बैक पीरियड मेथड यूज होता है अब जब हम डिस्काउंटेड टेक्निक करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा ये बात ओके तो ये डीमेरिट्स सॉरी ये मेरिट्स थे अब हम डीमेरिट्स देखते हैं तो डिमेरिट्स कौन से हैं पे बैक पीरियड मेथड के तो एक तो है कि भाई ये कैश फ्लो आफ्टर द पेबैक पीरियड कंसिडर ही नहीं करता नहीं कंसिडर करा था ना प्रोजेक्ट ए में तो आपको दो लाख दस हज़ार मिल रहे थे और प्रोजेक्ट ए में सिर्फ एक लाख एक दस हज़ार मिला था लेकिन एक लाख के बाद तो प्रोजेक्ट बी वाला छोड़ दिया गया आगे गया ही नहीं है ना रिकूप हो गया बस काम ख़त्म लेकिन ये गलत चीज़ है ये इस चीज़ को इग्नोर करता है इसीलिए लिए Uh, ये आपका इट इग्नोरस कैश फ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड बोला जा रहा है नाउ इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी देखा हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर करता है दूसरा सॉरी uh, तीसरा इट इग्नोर्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंटायर प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ भाई दो लाख दस हज़ार हो रहा है प्रोजेक्ट ए में और प्रोजेक्ट बी में आपको एक लाख दस हज़ार हुआ तो एक समझदार इंसान तो प्रोजेक्ट ए में ही जाएगा लेकिन पे पीरियड के अकॉर्डिंग जाओ तो फिर बी में जाना पड़ता है है ना तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को इग्नोर करता है नाउ इट इग्नोरस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी इग्नोर करता है क्योंकि इसको मतलब ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना मिलेगा आगे प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं देख रहा तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या देखेगा फिर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके लिए मायने ही नहीं रखता कि कितना पे करना पड़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ये इग्नोर करता है ओके okay? नाउ अब हम देखेंगे अपना पे बैक पीरियड ख़त्म हुआ अब हम देखेंगे अपना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ए आर आर ये क्या होता है तो इसको ना हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इम्प्लॉयड मेथड भी बोलते हैं याद रखना एग्जाम में पूछते हैं ए आर आर को और क्या बोलते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इम्प्लॉयड मेथड भी बोला जाता है ओके दे टिपिकली इंक्लूड सिचुएशन वेयर कंपनीज आर डिसाइडिंग ऑन वेदर और नॉट टू प्रोसीड विद अ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द फ्यूचर नेट अर्निंग्स अब देखो ये जो ए आर आर आया ना इसने आ, ब, ब, बताया कि नहीं पे बैक पीरियड सही नहीं था गलत था क्यों क्योंकि वो फ्यूचर अर्निंग्स को नहीं कंसिडर करता था तो जो ए आर आर मेथड है ये फ्यूचर अर्निंग्स पर बेस्ड है फ्यूचर नेट अर्निंग्स पर बेस्ड है ओके एक्सपेक्टेड कंपेयर टू द कैपिटल कॉस्ट और ये कैपिटल कॉस्ट को भी कंसीडर करता है अब ऑब्वियसली फ्यूचर अर्निंग को कंसीडर कर रहा है तो कैपिटल कॉस्ट को भी करेगा कंसीडर ओके okay? तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में ये अच्छी बात थी नाउ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अब ये किस पे बेस्ड होता है ये जो मेथड है ये मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी को जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड है ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये कंसीडर करके चलता है और ये ये क्या करता है इसीलिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंसीडर करता है ना लेकिन कैश फ्लोज नहीं देखता ओके okay, हमने देखा ना पे बैक पीरियड में कि इसीलिए वो सुपीरियर पे बैक पीरियड को बोला गया क्योंकि वो कैश फ्लो को कंसीडर करता है बट एआरआर कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता इसको बस प्रॉफिट दिख रहा है कि हाँ मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है ओके okay, लेकिन कैश फ्लोज को ये कंसीडर नहीं करता और सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे ही बेस्ड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है इसीलिए इसका एक और नाम पड़ा क्या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ओके क्लियर इसीलिए इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं ना अभी देखो फॉर्मूला क्या है आपका तो फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रीसीशन ओके अब क्या है ये जो आपका ए मेथड है ना ये आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कंसीडर करता है पे पीरियड में बिफोर डेप्रिसिएशन आ रहा था ना लेकिन ये डेप्रिसिएशन पे भी आफ्टर आफ्टर डेप्रिसिएशन वाला ये कैश फ्लो को कंसीडर करता है ओके okay? तो फॉर्मूला है आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट ओके नाउ वेर एवरेज इनकम जहाँ पे एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं तो वो निकलता है आपका टोटल ऑफ पोस्ट टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो टोटल होता है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स एवरेज निकाल रहे हैं ना तो कितना टोटल अब तक आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स एंड डप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ ईयर्स ये देखते हैं हम फॉर्मूला ये है आपका अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकलता है आपका बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिगनिंग बिगनिंग में कितना था प्लस आपका एट द एंड कितना हुआ अब एंड वाले को ना हम सैलवेज वैल्यू भी बोलते हैं तो ये ध्यान में रखना अगर एग्जाम में आए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है एंड वाले को सैलवेज वैल्यू भी बोलते हैं तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द एंड और इन दोनों को इनिशियल और एंड वाले को प्लस करना है और डिवाइड करना है टू से तो निकल जाएगा आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट ओके तो ये फॉर्मूला ऐसे निकलता है ना अब इसमें क्राइटेरिया क्या है कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं तो अगर आपका ए इक्वल है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है मतलब जितना आपको रिटर्न चाहिए भाई जितना कॉस्ट दे रहे हैं एटलीस्ट चाहेंगे ना कि कम से कम उतना तो मुझे रिटर्न आ जाए तो इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि या तो उसके इक्वल हो जितना हमने कॉस्ट लगाया या तो एटलीस्ट उससे ज्यादा होना चाहिए तो तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा उस प्रोजेक्ट को ओके okay? तो ये है आपका ए आर आर मेथड में नाउ अभी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं तो मेरिट्स क्या है तो इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट मेथड आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो ओके नाउ दिस मेथड टेक्स इन टू अकाउंट ऑल द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट अब ये फ्यूचर अर्निंग्स पे बेस्ड था है ये मेथड तो ये सारे प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट जब तक प्रोजेक्ट है तब तक कंसीडर करता है जैसे हम लोग वो पे बैक पीरियड में हमने देखा ना दो लाख दस हजार एक लाख दस हजार तो पूरा एंड तक जब तक रिटर्न मिल रहा है ना तब तक के प्रॉफिटेबिलिटी को कौन कंसीडर करता है तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर करता है अब देखो क्वेश्चंस में ऐसे पूछ देना अगर कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे कौन सा बेस्ड है कौन सा मेथड है जो कैश फ्लो को नहीं मानता तो वो सिर्फ आपका एक ही है ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ओके तो सिर्फ एक ही है जो कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करता ना अभी डीमेरिट्स क्या है तो डीमेरिट्स है आपका इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम को ये इग्नोर करता है ट्रेडिशनल मेथड है क्योंकि ना इट यूजेस अकाउंटिंग इनकम इंस्टीड ऑफ कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन को नहीं कंसीडर करता और ये कंसीडर करता है कि इसको अकाउंटिंग इनकम को तो इट इज द ओनली मेथड विच विच कंसीडर अकाउंटिंग इनकम रादर देन कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन ओके ना एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ सैलवेज वैल्यू ऑफ अ प्लांट इज़ वेरी डिफिकल्ट अभी देखो हमने देखा था ना कि हमारा बिगनिंग uh, में कितना हो रहा है वैल्यू बुक वैल्यू प्लस एंड में कितना बुक वैल्यू हो रहा है लेकिन क्या ये एस्टिमेट करना पॉसिबल uh, है कि एंड में कितना हो रहा है एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं कर सकते ना हम सैलवेज वैल्यू की तो सैलरीज वैल्यू की एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं कर सकते तो ये एक डीमेरिट है कि ये जो फॉर्मूला लिया गया है ये जो बोला गया है एस्टिमेशन के लिए तो ये गलत है एक्यूरेट so, वैल्यूएशन uh, नहीं किया जा सकता ओके okay? तो अब आपकी ये क्लास खत्म हुई अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग ओके उसमें हम सारा कुछ डिटेल में देखेंगे उसमें भी और आप आज की क्लास आई होप आपको अच्छी लगी हो और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना ओके लाइक करके जाना और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब बटन है नीचे जल्दी से प्रेस करो ऑल पे भी क्लिक कर लेना सो दैट नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहें और आपकी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्लास अच्छी लगी तो सो so दैट वो भी इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सके और टेलीग्राम पे टारगेट नेट जे आर एफ विद वी लर्निंग करके सर्च करो यहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड नोट्स एंड यहाँ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे डेली क्विजेज़ फॉर पेपर वन एंड पेपर टू की भी क्विजेज़ वहाँ होती रहती हैं ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास थैंक यू कीप लर्निंग